स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के साथ। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो मेन फंडा है वो ये है कि भाई डाइजेशन जो है वो मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल मेथड का एक कॉम्बिनेशन है। मैकेनिकल मतलब कि फिजिकल मेथड, बायोकेमिकल मतलब जहाँ पे केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बना दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें कि आप सारे सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उसका एक रिव्यू पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है वो बहुत ही शॉर्ट में मैं सारी चीज़ों को कवर करते हुए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। माउथ टू एनस तक का जो भी ट्यूबुलर सिस्टम होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। यहाँ पे जब अपन स्टार्ट में आते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन टीथ की बात करते हैं। ह्यूमन टीथ के लिए जो सारे वर्ड्स हैं वो ह्यूमन टीथ को रिजेंबल करते हैं। हेटरोडोंट, डाइफायोडोंट, थीकोडोंट, डेसीडुअस, पॉलीफायोडोंट एंड ब्यूनोडोंट, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्म, डेंटल फॉर्मूला आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2123/2123, ठीक है। ये हाफ ऑफ अपर जो, हाफ ऑफ लोअर जो का एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है। जहाँ पे हम ऐसे याद रखते हैं ICPM मोदी, ठीक है। इन ऑर्डर में याद कर सकते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। हार्ड च्यूइंग सर्फेस ऑफ टीथ को बोला जाता है इनेमल, ठीक है, जो सिक्रेटेड होता है ओडोंटोब्लास्ट सेल से, ठीक है। अब यहाँ पे चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला आता है 2102/2102, प्री मोदर एब्सेंटी चाइल्ड, 2017 नीट का क्वेश्चन है। टंग अटैच्ड टू द हायोइड बोन, हायोइड बोन से टंग अटैच्ड होती है, ठीक है भाई, हमको पता है, ठीक है। अच्छा, जो मसल रहती है उसको फ्रेनुलम कहा जाता है, एनसीईआरटी के लाइन है। पेपिली बियर टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे जो पेपिली होते हैं बेसिकली चार प्रकार के होते हैं, मैंने तीन को डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया है, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म एंड सर्कमवैलेट। इसमें से जो फंगीफॉर्म और सर्कमवैलेट होता है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं फेरिंग्स की तरफ। फेरिंग जो है कॉमन पार्ट होता है कि किसके लिए, फूड और एयर के लिए, ठीक है। इपिग्लॉटिस प्रेजेंट, इपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस व्हिच इज ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो इपिग्लॉटिस क्या है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है, यहाँ दिखा हुआ है कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेज से बना हुआ है, समझ में आ जाती है बात। इसोफेगस जो है, इसोफेगस जो है एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसका डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होता है, परंतु ये पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स को इनेबल करता है या फिर प्रमोट करता है, उसको फैसिलिटेट करता है ताकि फूड का जो पाथवे है वो स्मूथ हो सके। यहाँ पे स्टमक का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे ऐसा एक आपको जी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली तीन आपको रीजन्स दिखते हैं, ठीक है। आपका पाइलोरम होता है, फंडिक होता है और एक ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर को स्टमक बोला जाता है, शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइलोरिक स्फिंक्टर इस तरफ पे होता है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देख लीजिएगा। स्टमक है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अपर लेफ्ट पोर्शन पे, ठीक है। दो वर्ड्स हैं पर क्वेश्चन दो बन सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका तीन पार्ट्स होता है, डुओडेनम, जिजनम, इलियम। इलियम का यहाँ पे ध्यान रखिए, ELEUM है, ठीक है, नॉट IUM। डुओडेनम जो होता है सी शेप्ड होता है जहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है, रेड पेन से लिखा हुआ है। जेजिनम जो है लॉन्ग कॉइल स्ट्रक्चर होता है, इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम जो है हाईली कॉइल्ड होता है, इसमें डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये वाला। अच्छा, इल्यूसिकल स्फिंक्टर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स अगेन होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम हमें पता है स्मॉल ब्लाइंड सैक बोला जाता है, ब्लाइंड सैक, ठीक है। इट पोजेसेस सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपन जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा बोलते हैं उसमें ये आता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल फौना जो बोलते हैं, सॉरी। असेंडिंग ट्रांसवर्स एंड असेंडिंग अपन कोलोन के टाइप से। रेक्टम जो है वो खुलता है एनस में, पता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजिंग फ्रॉम सीकम, ठीक है भाई। ईकोलाइन अदर बैक्टीरिया हार्बर्स एट सीकम विच फॉर विटामिन बी12 प्रोडक्शन, ठीक है। हमको